साझेदार की मृत्यु। साझेदार की मृत्यु। देखिए, देखिए मेन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देखिए, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट देखिए, लव बंटवारा, लाभ बंटवारा, देखिए इसमें एक बार पहले जर्नल एंट्री देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्लियर। सस्पेंस अकाउंट क्लियर तो दिस इज पार्टनर को डेथ भी बोलते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अब इसमें एग्जाम्पल कुछ कुछ बनाइए छोटे छोटे।
हो गया। देखिए ए बी एंड सी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड लॉसेस इन 3:2:1, 3:2:1 होली स्टॉक अकाउंट क्लोज ऑन अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च 31 मार्च 2020 31 मार्च 2020 B died on 1st July 2020 profit of her during the year दो हजार बीस इक्कीस वाज रुपी 30,000 पास करने के पास करने के देखिए सॉल्यूशन एक बार जैसे इसमें दिया है कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं और प्रॉफिट लॉस को 3:2:1 में बांटना है। अकाउंट जो था क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2020 को, तो नेक्स्ट ईयर जो है उसका प्रॉफिट का एस्टिमेट दिया है आपको 30,000 रुपये। 1 जुलाई 2020 को उसका डेथ हुआ था ठीक का, तो मतलब 31 मार्च का अकाउंट क्लोज और उसके बाद नेक्स्ट ईयर का जो काम शुरू हुआ तो 1 जुलाई तक कितना महीना होता है? 31 मार्च से 1 जुलाई, अप्रैल मई जून है ना, 3 महीना हुआ। जुलाई में एक है ना, जुलाई नहीं आएगा ना, हाँ 3 महीना। तो
तीन महीना का आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले। देखिए प्रॉफिट टिल डेथ ऑफ बी इक्वल टू इक्वल टू 30,000 गुना 3/12 बराबर 7,500 रुपये। अब आपको लिखे रेशियो ऑफ ए बी सी इक्वल टू 3:2:1 बराबर 6, जोड़ देंगे तीनों का तो 6,000। अब पी का निकालना होगा खाली, जो डेथ में खाली जो डेथ हो जाए उसका खाली, जिसका डेथ हुआ उसी का खाली हिस्सा निकाल। प्रॉफिट टिल डेथ, प्रॉफिट टिल डेथ ऑफ बी इक्वल टू 2/6 इंटू 7,500 रुपये। यह आ जाएगा आपको 2,500 रुपये। देखिए इसमें दो बात है ना, पहले तो रेशियो में आपको बटेगा, जिसका डेथ हो गया है उसका रेशियो है 3:2:1 में 2/6 हुआ, ठीक है ना। बी का डेथ हुआ तो बी का हिस्सा है 2/6। अब आपको जितना दिन उतना ही दिन का प्रॉफिट लेना है जब मतलब उसका बी का डेथ हो गया। तो आपको 31 मार्च का अकाउंट क्लोज हो रहा था 2020 को, नेक्स्ट ईयर भी आपको कुछ 3 महीना करीब करीब आगे चला गया उसका, ठीक है। 31 मार्च से 1 जुलाई को डेथ हुआ तो 3 महीना होता है, 3 महीना का लाभ आपको 30,000 एक साल का लाभ है, 3 महीना का लाभ 3/12 करिएगा, 3/12 करिएगा तो 7,500 रुपये है। 7,500 में बी का जो हिस्सा होगा रेशियो वाला वही आपको उसी का जर्नल करना। अब एक बार जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डियर टू बी कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट 2,500 देखिए बींग प्रॉफिट ऑफ दिस शेयर transfer to his capital account.
हो गया ना। अगला एग्जांपल बने, देखिए ए बी एंड सी आर पार्टनर, पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड लॉसेस in five to three to two, five to three to two, account closed on account closed on 31st March 2020 profit profit during the year दो हजार अठारह उन्नीस वाज रुपीज 20,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 वाज रुपीज 30,000। ए डाइड 1,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 वाज रुपये 25,000। ए डाइड ऑन 1st October 2020 1st January 1st January देखिए अब ऐसा वाला अगर एग्जांपल रहेगा तो कैसे बनाएंगे। पहले एक लिखे थे थ्री इयर्स टोटल प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू तीनों को जोड़ दिए 20,000, 30,000, 25,000, 75,000, 75,000 अब लिखे एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू पचहत्तर हजार बाई तीन, तीन साल का लाभ है, तीन से भागो, पाँच साल का रहेगा पाँच से भाग दिए, पच्चीस हजार, पच्चीस हजार। अब बोलता है ना ए का डेथ हो गया है फर्स्ट अक्टूबर 2020 को, 2020-21 में कितना दिन काम जिंदा रहा है, 1 अप्रैल से बिगनिंग होता है 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर, 5 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6-7, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, एक ध्यान रहेगा ना एग्जाम में एग्जाम में आप लोगों ध्यान रखते हैं, बस 1 अक्टूबर है, अक्टूबर नहीं लगे, 30 सितंबर तक लीजिएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना हाँ तो 6 महीना का प्रॉफिट निकालिए, 6 मंथ्स प्रॉफिट इक्वल टू 25,000 इंटू 6 बाई 12, 12,500, 12,500। अब रेशियो में बांट दीजिए उसको 12,500 को, और किसका डेथ हुआ था, ए डाइड, ए का 5/5 इज टू, देखिए रेशियो इक्वल टू 5:3:2 बराबर 10, एज प्रॉफिट इक्वल टू 5/10 इंटू 12,500, 125 × 6 = 625, 6,250, 6,250। अब जर्नल एंट्री कर लीजिए, हो गया, देखिए तो जर्नल एंट्री में एक बार लिख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ईयर, बीच में जर्नल एंट्री लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ईयर टू ए कैपिटल अकाउंट, टू ए कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, समझ में आ गया ना। एक और अलग क्वेश्चन है,
देखिए फिर एग्जाम्पल देखिए, देखिए ए बी सी आर पार्टनर, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड लॉसेस इन 5:3:2 रिस्पेक्टिवली भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, 5:3:2 अकाउंट क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर, 31st March 2020 2020 सेल्स ऑफ फर्म ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज, वाज रुपीज 3 लाख, 3 लाख बट सेल्स टिल डेट, सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ ऑफ ए वाज रुपीज, वाज रुपीज 60,000 The profit, a profit of firm, profit of firm during the year was rupees. Ninety thousand maybe distributed according to sales, according to sales. इसमें ये नहीं रहेगा, सेल्स टिल डेथ ऑफ ए, एक मिनट ठीक है, ये सेल्स टिल डेथ ऑफ ए वाज रुपीज 60,000। अब आपको देखिए एक किस तरह का है ना, फर्स्ट जनरेटिव to distribute profit to a देखिए तीसरा टाइप का जो है ना प्रॉफिट वाला जो है, तीन टाइप का टोटल डेथ में, ये तीन टाइप से बाहर नहीं जाता कोई भी क्वेश्चन,
कहीं भी किसी भी किताब में चल जाइए। तो ये आपको इसमें दिया हुआ है, इससे पहले वाला भी देख लीजिए। बस देखिए, आपको डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो है इसमें है ना, जर्नल वगैरह तो होता है प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस अकाउंट डियर टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट जिसका डेथ हो गया है, ठीक है। अब आपको पहला टाइप का क्वेश्चन था इस तरह का, एबीसी पार्टनर है और 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है, अकाउंट बंद हो जाता है 31 मार्च को, हर साल बंद होता है। और ये जो बी का डेथ हो गया था नेक्स्ट ईयर चला गया, तो वही मार्च 31 के बाद 1 जुलाई को डेथ हुआ था, ठीक है ना। अब आपको उसमें तो इसका जो है प्रॉफिट फर्म का टोटल साल भर का 30,000 था, तो उसको एक इस टाइप से हम लोग बनाए जो पहले भी पढ़ाया था, ठीक है। रेशियो हम बांट दिए 3:2:1 ऐसे करके इस तरह से। तो प्रॉफिट टिल डेथ ऑफ बी इक्वल टू, देखिए 30,000 का साल भर का प्रॉफिट। अब बी का डेथ हुआ था कब, 1 जुलाई को डेथ हुआ, तो 31 मार्च के बाद कितना महीना हो गया, 3 महीना हुआ। तो 3 महीना का पहले प्रॉफिट निकाले, 30,000 का 3 बाई 12 या 3 बाई 12, तो 7,500 हुआ। अब आपको 7,500 में इसमें रेशियो है 3:2:1, बी का डेथ हुआ था, बी का हिस्सा 2 बाई 6, 2 बाई 6 निकालिए 2,500 रुपये का। ये एक इस टाइप का क्वेश्चन है, 2,500 को बांट दीजिए प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस अकाउंट डियर टू बी कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू बी कैपिटल अकाउंट, बीइंग हो गया नरेशन। सेकेंड टाइप में क्या था कि आपको ये जो प्रॉफिट है 2-3 साल का दिया हुआ, ठीक है, एक इस टाइप से प्रॉफिट दिया रहेगा, तो उसका एवरेज निकालिए पहले, सबको जोड़कर जितना साल का दिया है उसे भाग दे दिए, तो ये प्रॉफिट आएगा। अब उसी में देखना है कि उसका डेथ कब हुआ, तो इसमें क्वेश्चन में 31 मार्च को क्लोज हो रहा है और ये डाइड ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2020 को, तो 1 अक्टूबर तक 6 महीना होता है, 6 मंथ्स का प्रॉफिट निकालिए 25,000 का, 12,500 का, 12,500 है। अब आपको 12,500 को बांट दीजिए, रेशियो दिया है 5:3:2, ठीक है, दोनों तीनों को जोड़ दिए 10, ए का हिस्सा हो गया 5/10 × 12,000, 6,250। इसका जर्नल आपको वही करेंगे जो उधर पीएल एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डियर टू क्या हो जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट, उसमें बांट देंगे ये 6,250 डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है ये सेल्स के आधार पर रहता है कभी कभी, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन है ना कि 5:3:2 जो है ये रेशियो है और 31 मार्च का अकाउंट क्लोज हो रहा है। अब उसका क्या दिया, सेल्स पूरा फर्म का साल भर का 3 लाख रुपए, उसमें ए का जब तक डेथ हो गया ना वहां तक का सेल्स जो था 60,000 रुपये। तो अब आपको बांटना होगा कि एक्चुअल में जो प्रॉफिट दिया है 90,000 रुपया पूरा फर्म का है, इसको बांटना है सेल्स के आधार पर, सेल्स का जो है ना प्रोसेस जो है उसी के आधार पर करना है। कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन, लिखे व्हेन सेल्स इज ₹3 लाख, देन प्रॉफिट इज ₹90,000, पूरा 1 ईयर का प्रॉफिट हो गया आपको 3 लाख रुपए, उसके आधार पर आपको 90,000 का प्रॉफिट है। अब आपको सेल्स जब ये 1 रुपया होगा, यूनिटरी मेथड के आधार पर 90,000 बाई 3 लाख होगा, राइट बाई लेफ्ट, ये दाहिना वाला हमेशा ऊपर रहेगा बाएं वाला से भाग। और जब सेल्स आपको ए का डेप्थ तक 60,000 रुपये, तब आपको प्रॉफिट कितना होगा, 90,000 × 60,000 × 3 लाख रुपये, ये वाला ऊपर वाला उतर जाएगा और ये वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये काटिए ₹18,000 लिखिए, 18,000 अच्छा।
ठीक है, इसी प्रॉफिट में उसका हिस्सा निकालिए। एटीन थाउजेंड तक आ गया ना सबका, अब आ गया। आइए रेशियो देखे तो क्या है, 5:3:2, और किसका डेथ हुआ है? हाँ, सेल्स टिल डेथ ऑफ ए, ए का डेथ हुआ। अब ए का हिस्सा निकालना है, इसमें कितना पड़ेगा? तो आ गया, आइए। देखिए, देखिए प्रॉफिट इक्वल टू ₹18,000। अब रेशियो लिखिए, रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, सी इक्वल टू 5:3:2 बराबर 10। इस सबको जोड़ दिया जाता है 10। ए का डेथ हुआ, एज प्रॉफिट इक्वल टू, एज प्रॉफिट इक्वल टू 5/10 इंटू 18,000 इक्वल टू हो गया आपको ₹9,000। इसी का आपको जर्नल एंट्री करना, इसी का जर्नल कर लो। देखिए जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट रियल, अकाउंट रियल टू ए कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट 9,000 बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, तो ये वाला है आपका प्रॉफिट। में जैसे कैसे किसी पार्टनर का अगर डेथ हो जाता है तो उस केस में आपको तीन तरह का केस हो सकता है, प्रॉब्लम वगैरह का, छोटा सा छोटा छोटा प्रॉब्लम वगैरह है, ये सब जानना है आपको। तो टीजीटी के अलावा भी कोई भी चीज़ में अगर ये पार्टनर्स पार्टनरशिप में अगर डेथ रहेगा तो उसमें बिगिनिंग एकदम यहीं से स्टार्ट है आपका। तीन तरह का प्रॉब्लम होगा, तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम आपको वहाँ पर रहेगा, ठीक है? तो एकदम सेम इसी तरह से बनाना है आपको। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको ये पढ़ाएंगे, इसका गुडविल वाला है ना, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन ही सब होता है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसमें से, ठीक है? आज आप लोग का क्लास तभी यहीं ओवर किया जाता है।